सन 1528 ईस्वी में राम मंदिर टूटने के बाद से लगातार हिंदुओं की हर पीढ़ी ने अपने आराध्य को वचन दिया था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और ठीक 464 साल के कई पीढ़ियों के संघर्ष, हजारों बलिदानों के बाद हिंदुओं ने उस संकल्प को 1992 में आज ही के दिन पूरा किया था। समस्त देशवासियों को शौर्य दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। हम आपको बाबरी विध्वंस से जुड़ा वो किस्सा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 800 वर्षों तक मुगल साम्राज्यवाद के साक्ष और क्रूप ढांचे के रूप में खड़ा बाबरी हमारे राम जन्मभूमि मूल स्थान के विध्वंस और दास्ता का प्रतीक बना रहा। स्थान प्रधान की महत्ता से अवगत रहते हुए भी धर्म सापेक्षता ने हर एक हिंदू के क्रोध का दमन कर रखा था। 6 दिसंबर 1992 के दिन राम जन्मभूमि को बाबरी के कलंक से मुक्ति दिलाने के लिए सैकड़ों हजारों कार सेवकों के शौर्य को कोटि कोटि नमन, जिन्होंने उस अवैध कलंकित ढांचे को ध्वस्त करने में अपना सर्वोच्च योगदान और बलिदान दिया था। सियावर रामचंद्र की जय, जयकारा महावीर बजरंगी का। बी रिक्लेम्ड व्हाट वाज राइटफुल्ली आवर्स, नो रिग्रेट, नो रेपटेंस, नो सैरो, नो ग्रीफ। हमें कोई पश्चाताप नहीं है। बाबरी विध्वंस पर हमने जो ठाना था, कहा था, उसे करके दिखाया। 30 वर्ष हो गए उस घटना को, फिर भी लगता है कि वह जैसे कल की ही बात हो। उस दिन के एक एक घटनाक्रम को दिल ने आज भी संजो कर रखा हुआ है। प्रातः 10:30 बजे लाखों कार सेवक कतारों में लगे अपनी बारी की प्रतीक्षा में थे। अचानक अगली कतार में लगे आंध्र प्रदेश के कार सेवकों के एक जत्थे का धैर्य जवाब दे गया और कार सेवकों ने वहां वही उत्पात करना आरंभ कर दिया था जैसे कि हनुमान जी ने रावण की अशोक वाटिका में किया था। अशोक जी सिंगल भागे भागे कार सेवा स्थल पर गए। उन्होंने कार सेवकों को समझाया और आवेश में आकर एक कार सेवक के मुंह पर तमाचा जर दिया। परंतु भगवान राम के आदेश से उस दिन कुछ और ही होने जा रहा था। इसके बाद जो हुआ उसका स्मरण कर आज भी गला रुंध जाता है और आंख गीली हो उठती है। हिंदुओं की मानसिक गुलामी और सार्वजनिक अपमान के प्रतीक बाबरी ढांचे की एक एक ईंट उखड़नी शुरू हो चुकी थी। उस समय जिस भी राम भक्त से जोपन परा रहा था वह अपने अपने स्तर पर करना आरंभ कर दिया था। जो कार सेवक वृद्ध थे या जो शरीर से अधिक कुछ नहीं कर सकते थे वे सड़कों को रोक कर बैठ गए थे ताकि सुरक्षा बल कार सेवकों को रोकने के लिए वहां तक न पहुंच पाए। दोपहर 12 बजे तक दर्जनों गैती कस्सियां और मोटे मोटे रस्से वहां पहुंच गए थे। उसका कहा आज तक पता तक नहीं चल पाया है कि वे किसने और कहां से खरीद कर भिजवाए थे। जब कार सेवक घायल होने लगे तो कुछ फर्स्ट एड बॉक्स भी वहां पहुंचा दिए गए थे। सारा सुरक्षा प्रबंध और सारा प्रशासन उस दिन धरा का धरा रह गया था। सायकाल 5:30 बजे तक तीनों गुंबद धराशायी हो चुके थे। इससे पहले रामलला को उनके मूल आसन सहित बीच के गुंबद से सुरक्षित निकाल लिया गया था। पूरे देश में टेलीफोन की घंटियां बजने लगी थी तो अयोध्या में सभी मंदिर भी घंटियों और जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठे थे। सारे मंदिरों में रामलला की सामूहिक आरती आरंभ हो चुकी थी। हर ओर बधाइयां दी जा रही थी और मिठाइयां बांटी जा रही थी। रात के 11 बजे तक वहां ढांचे की एक ईंट भी नहीं छोड़ी गई थी। उस समय मंच से यह घोषणा की गई थी कि सभी कार सेवक एक एक ईंट अपने साथ लेकर जाएंगे ताकि इस कलंकित ढांचे का एक भी अवशेष वहां न बचने पाए। इसके बाद विधि विधान से पूजा अर्चना करके रामलला को उनके सिंहासन सहित मूल स्थान पर विराजमान कर दिया गया। बाबरी ढांचे की सुरक्षा में तैनात पीएससी और पुलिस के जवानों से लेकर उच्च अधिकारी तक अपने अपने जूते और बेल्ट उतारकर हथियारों को एक कोने में रखकर रामलला को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते देखे गए। उस दिन कार सेवा के दौरान 6 कार सेवक भी ढांचे के मलबे के नीचे दबकर वीर गति को प्राप्त हो गए थे। एक माँ बड़े गर्व से लोगों को बता रही थी, वो देखो मेरा बेटा उस गुंबद पर चढ़कर कार सेवा कर रहा है। परंतु देखते ही देखते वह नौजवान कार सेवक भी अपनी बूढ़ी माँ और अन्य लोगों की आंखों के सामने ही ढांचे के मलबे के नीचे समा गया था। उफ, अब और नहीं बोला जा रहा। बोलते समय
लब थरथरा रहे। 1992 में ही कार सेवा से पहले पूरे देश के नगरों और गांवों में श्री राम चरण पादुका पूजन यात्रा निकाली गई थी। तब सुप्रसिद्ध गायक रविंद्र जैन द्वारा गाए भगवान श्री राम के भजनों की एक ऑडियो कैसेट भी वितरित की गई थी, जिसका यह गीत उस समय बहुत लोकप्रिय हुआ था। अयोध्या करती है आह्वान, ठाट से कर मंदिर निर्माण, शिला की जगह लगा दे प्राण, बिठा दे वहाँ राम भगवान। अयोध्या करती है आह्वान, ठाट से कर मंदिर निर्माण, और आज वहीं पर ठाट से श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वीडियो को शेयर कर, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।